हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट गुजराती, लेसन नंबर 3, मकान वगरना वानर, एक्टिविटी 5 to 9, डे 16। टेक योर गुजराती टेक्स्ट बुक एंड योर नोटबुक। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27। हमने लास्ट वीडियो में स्टोरी सीखी थी वांद्रा भाई नु घर। उसके बाद क्वेश्चन एक्टिविटी नंबर 5 में हमें क्वेश्चन दिए हैं जो बातचीत है, मीन्स हम ओरल करेंगे और उसके बाद वाले वीडियो में हम लिखेंगे। आज हमें सिर्फ क्वेश्चन ओरल करने हैं। नंबर 1, वांदरानो नाम शू हतो, स्टोरी में बंदर का नाम क्या है? खटखट। नंबर 2, वांदरानी चिंता कौन करतू हतो, बंदर की चिंता कौन करता था? सुग्रीबाई। नंबर 3, चटपट सुग्री वांदरानी शी चिंता करती हती, चटपट को बंदर की क्या चिंता सताती थी? कि बंदर घर नहीं बना रहे हैं और उनको ठंडी गर्मी और बारिश में बहुत परेशानी हो रही है। पेज नंबर 28 के ऊपर पेज टर्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, घर वगर वांदरा ने कई कई मुश्किलें पड़े छे, उनको घर के बिना कौन कौन सी परेशानी होती है? उन्होंने घर नहीं बनाया है तो ठंडी के सीज़न में उनको बहुत ठंडी लगती है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद कर अपनी ठंडी भगाते हैं। गर्मी के मौसम में वो पसीने से लटपट हो जाते हैं और उनको बहुत गर्मी लग रही है, फिर भी वो घर नहीं बना रहे। फिर बारिश के मौसम में भी वो पूरे भीग जाते हैं और उनको ठंडी भी लगती है। नंबर 5, ठंडी थी बचवा शियाड़ा में वांदराओं शू करियो, जब शियाड़ो विंटर सीजन स्टार्ट हुआ तो बंदर ने क्या किया? स्टोरी के स्टार्टिंग में ही है, वो कुछ लोगों को देखता है कि वो लकड़ी चलाकर आग जला रहे हैं जिसमें से लाल रंग की कोई चीज़ निकल रही है। और फिर बंदर खेतों में जाता है और मिर्ची इकट्ठा करके लाते हैं और फिर उसको जलाते हैं। नंबर 6, गर्मी थी बचवा उनाड़ा में वांदराओं शू करियो, उन्होंने समर सीजन में क्या किया जिससे वो गर्मी से बच सके? उन्होंने अपनी पूंछ से अपने आप को हवा डाली ताकि उनको गर्मी कम लगे। नंबर 7, खटखट अने तेमना दोस्तों ना चौमासामा शा हाल थया, मॉनसून सीजन में उनकी क्या हालत होती है? बंदर पूरे भीग जाते हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, उनका मुंह, उनकी पूंछ, उनका फेस सब भीग जाते हैं और उनको ठंडी भी बहुत लगती है। नंबर 8, वांदराओए जे करियो ते बराबर हतु, तमने वांदरानो शो उपाय बताओ, क्या बंदर ने जो किया वो ठीक किया? नहीं तो फिर उनको आप क्या आइडिया दोगे? बंदर ने ठंडी से बचने के लिए मिर्ची जलाई, लेकिन अगर हम मिर्ची जलाएंगे तो वो तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। हमें मिर्ची के धुएं से छींक आएगी, खांसी आएगी, जलन होगी। उनको सुग्री ने बहुत अच्छी सलाह दी कि आप भी मेरी तरह घर बना लो, लेकिन बंदर तो मानते नहीं है। और अगर आप होते तो उनको क्या आइडिया देते आप? नंबर 9 पर है, आ नानकी मने सलाह अपवा निकली छे, अही नानकी एटले कौन? यहाँ पर बंदर का सेंटेंस है, बंदर बोल रहा है कि ये छोटी सी सुगरी, छोटी सी बर्ड जो है वो मुझे सलाह देने निकली है, मुझे आइडिया दे रही है। तो यहाँ पे नानकी किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है? सुगड़ी बाई के लिए। नंबर 10, तमने कई ऋतु बतारे गमे कैम, आपको विंटर, समर और मानसून, इन तीनों में से कौन सी सीज़न पसंद है और वो क्यों पसंद है? नंबर 11, वांदराओ वाड़े वारे शू बोलता हता, ते वांदराओनी जैम बोलो। जैसे हमने स्टोरी सीखी तब हमने देखा कि बंदर जो है वो
बीच बीच में कुछ गाना गाते हैं और बार बार वो क्या बोलते हैं, वो अपनी आवाज़ निकालते हैं, हुप हुपा हुप हुप। तो आप भी बंदर की तरह आवाज़ निकाल कर जंप कीजिए। एक्टिविटी नंबर 6, अभिनय। नंबर 1, तमे वांदरा भाई छो, ठंडी गर्मी वरसाद थी बचवा शू करसो। ये आपको घर पे ही करना है कि अगर आप बंदर हो तो विंटर सीजन, समर सीजन और मानसून सीजन में ठंडी गर्मी और बारिश से बचने के लिए आप क्या करोगे अगर आप बंदर हो तो आपकी आपको वो एक्टिंग करनी है। नंबर 2, तमे सुगरी छो, वांदरा ने शी सलाह आपसो। अगर आप वी व बर्ड सुगरी की जगह हो तो आप बंदर को क्या सलाह दोगे। नाउ एक्टिविटी नंबर 7, नीचे आपेल पशु पक्षियों माटे कौंस माथी मनगमता नाम लखवा कहो। आपको यहाँ पर बर्ड्स और एनिमल के पिक्चर्स दिए हैं और ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे नेम दिए हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पिक्चर के नीचे नेम लिखे हैं, फर्स्ट सिंह है तो उसका नेम लिखा है जिमी, मगर का नेम दिया है कबीरा और पैरट का नेम दिया है अरीबा। इसी तरह आपको नीचे दिए गए एनिमल के नेम यहाँ ब्रैकेट में से ढूंढकर लिखने हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपको टेक्स्ट बुक के अंदर इनमें से कोई भी नाम चूज करके लिखना है। मायरी, कबीरा, रीमी, झीमी, आबा, सिमरन, माणकी, इरिका, आहिर, एरीबा, दड़बड़, बकबक, मेनका, सेजान, काडरस, ऐसे बहुत सारे नियम दिए हैं। आपको जो भी पसंद हो उनको जो नेम देना है आप टेक्स्ट बुक में लिखिए। एक्टिविटी नंबर 8, कहो आ शू छे। इस एक्टिविटी के अंदर आपको पिक्चर्स दिए हैं, आपको पहचानना है और उनके नेम यहाँ लिखने हैं। फर्स्ट पिक्चर पे कौन है, ये है मक्खी जिसे गुजराती में कहते हैं माखी। नंबर 2 पे कौन है, स्पैरो गोरैया जिसे गुजराती में कहते हैं चकली। 3rd नंबर पे कौन है, बिल्ली, तो बिल्ली को गुजराती में क्या कहते हैं, बिलाड़ी। नंबर 4 पर कौन सा पिक्चर है, ये है बॉटल, तो बॉटल को गुजराती में क्या कहते हैं, बाटली। नंबर 5 पर कौन सा पिक्चर है, पॉट मटका है, तो मटके को गुजराती में क्या कहते हैं, माटली। इसके बाद नंबर 6 पर कौन सा पिक्चर है, पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन को हिंदी में डाकिया कहते हैं और गुजराती में क्या कहते हैं, टपाली। इसके बाद वाला पिक्चर कौन सा है नंबर 7 पे, ये है राखी, तो राखी को गुजराती में क्या कहते हैं, राखड़ी। नंबर 8 पर कौन सा पिक्चर है, ये है खिली, हिंदी में किली कहते हैं और गुजराती में खिली। क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिविटी नंबर 9, लखो। आपको यहाँ पर बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं। नंबर 1 माखी, सामने दिया है वरसाद और बीच में जो वर्ड दिए हैं लेटर में सर्कल किया है, यानी कि हमने फर्स्ट वर्ड ढूंढा है कि माखी, यहाँ पर लेटर मिक्स दिए हैं व मा र सा खी द, इनमें 2 वर्ड छिपे हुए हैं। एक तो वर्ड लिखा है माखी, यानी उसके ऊपर हमने सर्कल कर दिया और बाकी के जो लेटर बचे हैं उनमें से वर्ड बना है वरसाद। इसी तरह ये सारे लेटर्स के अंदर 2-2 वर्ड छिपे हुए हैं। एक वर्ड जो आप ढूंढोगे उसको सर्कल करना है और बाकी जो लेटर बचे वो आपको सामने वाले बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर नंबर 2 में कौन सा नेम छिपा हुआ है, 2 नेम है, एक नेम के ऊपर हम सर्कल करेंगे और सेकेंड वाला जो लेटर बचेगा उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो कौन सा वर्ड है ढूंढिए, च क ली, तो च के ऊपर सर्कल कीजिए, क के ऊपर कीजिए और ल के ऊपर कीजिए और इसके बाद नंबर 2 पर यहाँ पर लिखिए चकली और बाकी लेटर जो बचे सा र स, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है सारस। इस तरह से आपके आंसर आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 के पिक्चर्स जो हमने पहचाने उनके नेम आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही पिक्चर के बाजू में लिख लेने हैं, माखी, चकली, बिलाड़ी, बाटली, माटली, टपाली, राखड़ी, खिली। और नंबर 2 में, जैसे फर्स्ट में हमें दिया है माखी एंड वर्षा, तो नंबर 2 में हमने च, क और ली के ऊपर सर्कल किया तो हमारा वर्ड मिला चकली और सेकंड वर्ड मिला सारस। इसी तरह नंबर 3 पर है बी ला डी, यहाँ पर हमें बिलाड़ी लिखना है और उसके बाद लेटर बचा है मा सी, तो वर्ड बना मासी। नंबर 4 जिसमें बा ट ली, बाटली, और उसके बाद जो लेटर बचे हैं टी क डी, तो वर्ड बनेगा टिकडी। टेक्स्ट बुक के अंदर वर्ड्स आपको अच्छी राइटिंग में कॉपी करना है और जब वर्ड लिखोगे तो आपको ये पिंक लाइन के बीच में ही वर्ड लिखना है, आपका वर्ड पूरी लाइन में नहीं आना चाहिए, ओनली पिंक लाइन के अंदर आपके लेटर होने चाहिए। इसके बाद नंबर 5 पर मा ट ली, माटली, और उसके बाद जो लेटर बचे है पा डी यानी पानी। इसके बाद ट पा ली टपाली और वर्ड बना क व र कवर। फिर राख डी राखडी, बजार बजार, खी ली खिली, दीवाल दीवार। ये सारे फर्स्ट लाइन वाले जो वर्ड है वो हमने पिक्चर में जो लिखे वो ही सारे वर्ड है, उसके बाद जो वर्ड बचे हैं वो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड है। इसके बाद पेज नंबर 30 के ऊपर एक्टिविटी नंबर 10 है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, त्रण बार आंगड़ी फेर वो। यहाँ पर आपको लेटर दिए हैं उसके ऊपर आपको 3 टाइम उंगली को घुमाना है ऐसे, और ये लेटर कौन सा है ल, आपको फिंगर घुमाना है और फिंगर घुमाने के टाइम ये लेटर का रीडिंग भी करना है। ल ट च ख, चारों लेटर के ऊपर 3 टाइम उंगली को घुमाइए और लेटर का रीडिंग कीजिए, ल च ट च ख, और यहाँ पर आपको दिख रहा है वो है मात्रा, ऐ की मात्रा, तो उसका रीडिंग होगा ऐ। नाउ पेज नंबर 31, जुओ अने लखो, यहाँ पर आपको लेटर दिए है वो आपको ट्रेस करके लिखने हैं। जैसे यहाँ पर है कव, फिर कव के बीच में एक लाइन की तो लेटर बना ल, यहाँ पर डॉट दी है तो डॉट को ट्रेस कीजिए और खाली जगह में लिखिए ल। अभी हमने पेज नंबर 13 के ऊपर जो लेटर सीखे वही लेटर आपको पेज नंबर 31 के ऊपर दिए हैं, आपको सारे लेटर रीडिंग करके बॉक्स में लिखने हैं। होमवर्क, कॉपी एक्टिविटी नंबर 7, 8 and 9 इन योर नोटबुक। हमने जो एक्टिविटी कंप्लीट की उनमें से टेक्स्ट बुक के अंदर जो लिखा है एक्टिविटी नंबर 7, 8 और 9 तो आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। थैंक यू।